सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के चार धामों में स्थित केदारनाथ धाम में भी आजादी के अमृत महोत्सव का जोश दिखाई दिया। केदारनाथ धाम में मंदिर प्रशासन और मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों और मंदिर समिति के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने भी बाबा केदारेश्वर के परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगा रैली निकाली है। तिरंगा रैली के जरिए लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। लोगों से अपील की गई है कि राष्ट्रीय पर्व में शामिल होकर लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। और हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहारा समय उत्तराखंड की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना, राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, जैसा मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जिस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर देश की जहां जहां से हमारे पास तस्वीरें आई हैं, सबसे ज्यादा जोश खरोश, सबसे ज्यादा उमंग और उत्साह उत्तराखंड के लोगों में देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले आपने देहरादून की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर 750 फीट लंबे तिरंगे के नीचे तमाम स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और स्थानीय युवा, बड़े बुजुर्ग, नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग मौजूद थे और एक अजीब किस्म का जोश भरते हुए नारे लगाते हुए राजधानी की सड़कों पर घूमते नजर आए। और अब तो बाबा केदारेश्वर के दरबार में भी भक्ति के साथ साथ देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय आध्यात्म और देशभक्ति का अनूठा संगम यहां पर बाबा केदारनाथ के धाम में इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज, आपने बहुत सही बात कही कि जहां धर्म है, आस्था है, श्रद्धा है, वही देशभक्ति का भी जुनून है। और भारत की यही विशेषता भी है, धर्म अपनी जगह है और देशभक्ति अपनी जगह है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो हमारी बटालियन है, उनके तो जो जय घोष है वो बाकायदा हमारे धार्मिक जय घोषों के ही आधार पर बनाए गए हैं। आप जानते हैं भगवान शिव की नगरी है केदारनाथ धाम, और केदारनाथ धाम में लोग अपने आस्था और श्रद्धा के चलते भगवान केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। और अगर वहां भी ये तस्वीर है, यानी तिरंगा हाथ में लेके वो तीर्थ पुरोहित जो पूजा अर्चना करते हैं, या वो पुलिसकर्मी जो वहां पर हर मौसम में डटे रहते हैं, या दूर दराज से आए हुए वो श्रद्धालु जो वहां भगवान के दर्शन करने आए हैं, लेकिन इस खास मौके पर, यानी कि जब 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अमृतोत्सव हो रहा है, 75 वर्ष पूरे होने पर उसमें सब लोग जुड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में ये बताता है कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है और देशभक्ति का जज्बा यहाँ के डीएनए में, कह सकते हैं आप, यहाँ के खून में है। यहाँ के बच्चे का पहला ड्रीम होता है कि वो फौज का हिस्सा बने। अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अग्निवीर योजना को लेकर देश के कई कोनों में काफी ज्यादा आक्रोश रहा, लेकिन उत्तराखंड शांत रहा। राजनीतिक तौर पर बयानबाजी जरूर हुई, लेकिन युवा नहीं निकला बाहर। वजह साफ थी, युवा जानता है कि वो किसी भी हाल में अगर सेना में एंट्री कर लेगा तो अग्निवीर योजना 5-4 साल की है, लेकिन उसकी काबिलियत इतनी है कि वो 15 साल की सर्विस कम से कम वहां करेगा। तो ये एक खूबसूरत नजारा है और स्क्रीन पे जो भी देखेगा उसने आज तक केदारनाथ धाम को दूसरे स्वरूप में देखा होगा अनुज। और आज जब तिरंगा के साथ वहां पे हर कोई अपनी भागीदारी करना चाहता है और देश के इस महाअभियान से अपने को जोड़ना चाहता है, तो ये बहुत अद्भुत नजारा है। और वास्तव में इसीलिए कहते हैं कि हिमालय से ही देशभक्ति की बयार बहती है, पूरे देश में वो उसको अपने आगोश में लेती है, तो वो चीज यहाँ पर साफ नजर आ रही है। जी, जो सुना बनी रही है हमारे साथ।